हेलो दोस्तों, मैं हूँ नेहा सिंह बोलपुर बॉलीवुड के साथ और लेकर आई हूँ बिग बॉस की बातें। जी हाँ, बातों में चलिए बात कर लेते हैं एजाज और पविता की, जो बहुत दिनों से वैसे हो नहीं रही थी क्योंकि लोग इंतजार कर रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों का रिश्ता ड्रामा है कि रियल चल रहा है कि स्क्रिप्ट पढ़ा जा रहा है कि क्या हो रहा है। तो चलिए इस ड्रामे की तरफ एक और थोड़ा एक कदम बढ़ाते हैं क्योंकि ड्रामा फिर से शुरू हो चुका है। जहां ऐसा लग रहा था 3-4 दिनों से कि भैया दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं या दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं, वही चाहे मैं सलमान की बात करूं, चाहे मेकर्स की बात करूं, चाहे मैं फराह खान की बात करूं, ऐसा लग रहा है इन दोनों की जोड़ी लगाने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ बिग बॉस के मेंबर्स हैं, जो बिग बॉस के क्रिएटिव हैं, जो बिग बॉस को होस्ट करते हैं, उन सबको बड़ा इंटरेस्ट है भैया कि इन दोनों की जोड़ी बन जाए। अब जब इतनी मेहनत किए जा रहे हैं हर कोई अपनी तरफ से, तो अब ये दोनों ने भी सोच लिया कि चलिए कुछ नहीं तो चलिए अपनी जोड़ी बना लिया जाए। क्योंकि एजाज जो इस रिश्ते में जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, अचानक ही वो इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि अब उनके साइड से ज्यादा इंटरेस्ट नजर आ रहा है और पविता की तरफ से इतना खास नहीं। तो चलिए सारी बातों में बारे में बातें करते कि आखिरकार इतना ज्यादा बदलाव क्यों हुआ है। क्योंकि जैसे हम सलमान के वीकेंड की भी बात करें तो सलमान ने भी ये बात पविता को काफी सुनाया था एजाज को लेकर, वहीं एजाज को भी अभी ज्यादा फीलिंग होने लगी कि लोग हम दोनों को बहुत ज्यादा देखना चाहते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, जब फरहा गेम के अंदर आई थी, जब फरहा जज बन के आई थी, तो वो कहीं से भी वो नहीं था कि भैया रियल में फरहा आई है, भैया बड़ा फरहा को इंटरेस्ट है कि घर के अंदर क्या चल रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से मैं कह सकती हूँ मॉडरेटर थी वो घर की, कहीं ना कहीं बिग बॉस की जो बाहर की बातें वो घर तक लेके आना कि आपको गेम खेलना कैसे है वो समझाने के लिए, वो या तो मैं कह सकती हूँ गाइड करने के लिए आई थी कि आखिरकार बाहर जनता आपका क्या देखना चाहती है। और स्पेशली यही चीज़ है कि चाहे वो रूबीना हो, चाहे जैस्मिन जिस तरह का गेम खेल रही हैं, चाहे वो जान से क्या करवाना चाहते हैं, निक्की से क्या करवाना चाहते हैं, ये सारी बातें उन लोग वहाँ पर खुल के बता रही थी कि आप ये करिए तो ज़्यादा बेटर होगा। वहीं जब एजाज की बारी आई तो एजाज को भी यही कहते हुए नजर आए कि आपकी और पविता की जोड़ी बहुत अच्छी लगती, चाहे आप लोग फाइट करते हो, चाहे आप लोग रोमांस करते हो, चाहे आप लोग जब एक दोस्ती में रहते हो, पर हर चीज़ का एक लिमिट होता है। जब आप लोग गुस्सा करते हो तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो इरिटेटिंग लेवल पर चला जाता है। तो अब ये बात एजाज को बहुत अच्छी तरह पता चल गई कि वो जितना नजर आते हैं वो पविता के साथ नजर आते हैं, उनका एक पॉजिटिव वे हो, निगेटिव वे हो, चाहे जो भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ पविता की वजह से नजर आते हैं। इसलिए वो 2-3 दिन से बहुत खास स्पेशल खुद भी फील कर रहे हैं और पविता को भी फील करा रहे हैं। जैसे मैं स्पेशली अगर आज के एपिसोड की मैं बात करूं तो जहां पे एक डांस परफॉर्मेंस कर रहे थे, वहां पे दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे कि साफ तौर पर पता चल रहा था कि यार दोनों एक दूसरे से कितना प्यार कर रहे हैं और एकदम डूब चुके हैं। मतलब ये प्यार बहुत जन्मों जन्मों का है जो आके बिग बॉस घर में नजर आ रहा है। ये कितना ज्यादा फेक है या ये जो फेक वाली लव स्टोरी शुरू हुई है वो जाके कितना रियल बनती है, ये तो आने वाले वक्त में क्लियर हो ही जाएगा। पर जो चीज मुझे फील हो रही है बिग बॉस के कॉन्सेप्ट को देखकर कि या जो क्रिएटिव है वो तो अपनी तरफ से पूरा पूरा हद पार कर दे रहे हैं आपको ये समझाने की कि शो के अंदर क्या बिक सकता है और क्या आपको दिखाना है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। ये कॉन्सेप्ट एकदम सही है भैया, पर वही तो बात है, यहाँ कोई कुछ करने के लिए ही नहीं तैयार है, ना कोई खुल के गेम खेल रहा है, ना कोई खुल के ये बात बता रहा है, ना कोई खुल के झगड़े कर रहा है। मतलब एक्चुअल में ऐसा लग रहा है कि किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, पर लोग अपना रियल फेस लाने के लिए नहीं तैयार है, इसलिए बार बार उन्हें हिंट दिया जा रहा है। ये उम्मीद की जा रही है कि रोमांस के जरिए, उसके जरिए, किसी ना किसी के जरिए हो जाए। वेल, ये था मेरा अपडेट लेकर एजाज और पविता को लेकर। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए बॉलीवुड के साथ।